हरिद्वार को अपराध मुक्त बनाने व जनता के बीच पुलिस की छवि बेहतर करने के लिए पुलिस ने अपराधियों व गुंडे आरक्षक तत्वों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत अभी तक पुलिस ने 57 पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 12 मुकदमे दर्ज किए हैं। गौकशी के मामले में गैंग लीडर सहित 24 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं नकाजबाजी में 3 हत्या में 16, एनडीपीएस में 5, वाहन चोरी में 3 व अन्य अवैध कार्यों में 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 11 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त दर्जनों अभियुक्त जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है और जो वर्तमान में जेल में निबंध है, उनका विधि अनुसार जुडिशियल रिमांड किया जा रहा है। साथ ही साथ जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चिन्हित अराजक तत्वों पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, हरिद्वार शहर जो चूंकि हमारा सरहदी जो वेस्टर्न यूपी से लगा हुआ है, तो निरंतर यहाँ बीच बीच में अपराध भी होते हैं और ज्यादातर अपराधी जो हमारे बाहर के प्रांतों से गैर प्रांतों से आते हैं। इसको देखते हुए इसमें एक जो है सभी के साथ मीटिंग करके ऐसे अपराधी जो बार बार अभ्यस्त रूप से अपराध कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गुंडा एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मारपीट और अन्य तरह के जो एनडीपीएस के हो, गौकशी में हो, वाहन चोरी में हो, लिप्त रहते हैं, उनको देखते हुए इसमें पूरे सभी थाना क्षेत्रों में संयुक्त रूप से हमारे जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं सबके परीक्षण में जो एक टीमें बनाई गई थी और पूरा रिव्यू किया गया और उस पर जो है 143 लोग को अभी चिन्हित किया गया है जो विभिन्न थाना क्षेत्र में जो संगीन अपराधों में जो लिप्त पाए गए, अभ्यस्त है और जो अपने गुंडागर्दी में पाए गए उन पर जो है गुंडाट की कार्रवाई की गई है, जो आगे चल के जो है माननीय न्यायालय जो डीएम महोदय की कोर्ट है उसमें जो है पैरवी करके उनको जल्दी जिला बदर और तड़ीपार करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें 57 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है जिसमें 15 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है, 18 लोग जो है जुडिशियल कस्टडी में पहले से है, उनका रिमांड लिया जाएगा, अन्य लोग की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई, 40 अन्य लोगों पर जो है 12 मुकदमों में भी चिन्हित करके गैंगस्टर की कार्रवाई प्रचलित है। तो कुल मिलाकर 107 लोगों पर जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जो की गई है और 143 लोगों को गुंडा एक्ट में जो है तड़ी पार करने के लिए जो है कार्रवाई आगे इसमें जो है विधिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई।